जनकपुर में सीता स्वयंवर की कहानी आपको याद होगी। जनकपुर में सीता स्वयंवर रचा गया था और उस दरमियान कई योद्धा उस स्वयंवर में भाग लिए थे और धनुष तोड़ने की बात की जा रही थी। तभी एक योद्धा वहाँ थे, वो श्री राम, और धनुष बाण को तोड़ा और सीता से विवाह रचाया। और इस कलयुग में छपरा जिले के सोनपुर प्रखंड स्थित सबलपुर से एक खबर ऐसी निकलकर सामने आई है जो कि दूल्हा तो फिक्स था, यहाँ कोई योद्धा भी नहीं थे। दूल्हा शादी समारोह में पहुँचा तो वहाँ कलयुग परंपरा से धनुष बाण को तोड़ने का रीति रिवाज रखा गया। दूल्हे ने स्टेज पे चढ़ा और धनुष बाण को अपने हाथों से उठाया और उसे तोड़ दिया। तोड़ने के साथ ही दूल्हा ने दुल्हन के गले में वरमाला डाला और शादी संपन्न हुआ। देखिए ये अनोखी विवाह जो एक परंपरा जनकपुर का था और दूसरी कलयुग में यह परंपरा को दोहराया गया है। तो आपने देखा किस तरह से सीता को राम ने धनुष बाण तोड़कर अपनी पत्नी बनाया था और यहाँ कलयुग में एक दूल्हा ने धनुष बाण तोड़कर अपनी शादी रचाई है। इससे शादी से मोहल्ले में चर्चा का विषय बना हुआ और इस अनोखी शादी को देखने के लिए दूर दराज से भी लोग पहुँचे थे और आसपास के लोग भी भीड़ लगाए हुए थे। इस कोरोना गाइडलाइन का भी धज्जा उड़ाया गया था इस विवाह में, लेकिन इस विवाह को देखते हुए कई संदेश भी लोगों तक पहुंचाया गया है और इस विवाह को अनोखी बनाने के लिए जनकपुर का परंपरा निभाया गया है। जैसे राम ने धनुष तोड़कर सीता से विवाह रचाया था, वैसा ही सबलपुर में एक दूल्हे ने धनुष तोड़कर अपनी पत्नी से शादी रचाया है। अपने सहयोगी हीरा लाल के साथ राजन कुमार, न्यूज़ PR, पटना।